नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। दलसिंहसराय हाजत में जितवारपुर हकीमाबाद खराज निवासी मोहम्मद गुलाब की कथित हत्या मामले की संपूर्ण जांच के लिए मृतक के घर पर शनिवार की सुबह भाकपा माले की 5 सदस्यीय टीम क्रमशः जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार, जिला कमेटी सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह, ललन कुमार, राजकुमार चौधरी, स्थानीय माले नेता सह पांसद मोहम्मद एन लहक की टीम पहुंची। टीम के पहुंचते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। माले टीम ने स्थानीय लोगों के अलावा मृतक के पिता मोहम्मद अशफाक अंसारी, माता जैनुल खातून, चचेरे भाई मोहम्मद मेराज आदि से घटना के संबंध में पूछताछ की। मृतक के चचेरे भाई मोहम्मद मेराज ने जांच टीम को बताया कि उनके भाई की शादी करीब 5 साल पूर्व दलसिंहसराय के चक नवादा के मोहम्मद सुलेमान की पुत्री गुलिक्सा परवीन से हुई थी। बाद में पति पत्नी में संबंध खराब हो गया, इसे लेकर महिला थाना में मुकदमा भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद गुलाब दवा डिलीवरी किया करते थे। 28 जुलाई को वे दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के दवा डिलीवरी कर रहे थे। इसी दौरान पहले से पीछा कर रहे दो युवकों ने उनके ससुराल खबर देकर कुछ युवकों को बुलाया और दलसिंहसराय के दीपक चौधरी के बंद पड़े पेट्रोल पंप से मोहम्मद गुलाब को मारते पीटते उनके ससुराल ले गए। वहां भी पिटाई की गई। मृतक के चीखने चिल्लाने पर स्थानीय लोगों के बीच बचाव कर उसे दलसिंहसराय अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मोहम्मद गुलाब एवं देखने आए उनके दो संबंधित को थाना लाई, जहां 16,000 रुपये घूस लेकर दोनों संबंधित को छोड़ दिया गया। मृतक गुलाब के पिता ने बताया कि उन लोगों को 2:58 पर दलसिंहसराय थाना से फ़ोन कर मोहम्मद गुलाब को बीमार होना बताकर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती होना बताया गया। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो मोहम्मद गुलाब की मृत्यु हो चुकी थी। उनके दोनों हाथ टूटे हुए थे, कान में तेजाब डाला हुआ था। थाना पर लोकर मोहम्मद गुलाब द्वारा हाजत में 12:18 पर खुदकुशी करना बताकर धुंधली CCTV फुटेज दिखाया गया, जबकि उसके शरीर पर अमानवीय व्यवहार के संकेत स्पष्ट दिख रहे थे। मोहम्मद गुलाब की माता जैनुल खातून ने रोते बिलखते बताई कि हाजत में रस्सी कहां से आई और आई तो भी इतनी छोटी रस्सी, कोई आत्महत्या कैसे कर सकता है? उनके बेटे की हत्या कर शव को लटकाया जा सकता है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मौके पर उपस्थित माले जिला सचिव प्रोफेसर उमेश कुमार ने इस मामला को संदिग्ध बताते हुए इसे हाजत में हत्या करार दिया। माले नेता ने इस घटना के लिए थाना अध्यक्ष कुमार ब्रजेश को जिम्मेवार बताते हुए उन पर 302 का मुकदमा दर्ज करने, मृतक के परिजनों को 20,00,000 रुपया मुआवजा देने, घटना की न्यायिक जांच कराकर तमाम दोषियों पर कार्रवाई करने को लेकर आंदोलन चलाने की घोषणा की। यह है कि देखिए, हत्या तो हुआ लेकिन इसमें कुछ लापरवाही थाना का भी दिया गया है और जो हत्या हुआ उसका इंसाफ चाहिए। जो भी इसमें अपराधी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई है, उसको सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मिराज हुआ। घर खराज हकीमाबाद हुआ। आप गुलाब जी दलसिंहसराय में जिनकी हाजत में हत्या या खुदकुशी हुई उनकी अम्मी हैं, आप क्या मांग करना चाहते हैं? जी हाँ हाँ जी उसको सजाए दिया जाए, उसको मुआवजा दी। जी, क्या आपका क्या नाम हुआ? जैनब खान। घर? राजा की मामा।